हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आई हूँ नारियल की बर्फी। ये बहुत ही इंस्टेंट बनने वाली नारियल की बर्फी है जिसे हम सिर्फ 10 से 15 मिनट में बना लेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए एक नारियल जिसको हमने पीछे से इसका छिलका निकाल लिया है, और हमें चाहिए इस तरह से कुछ ड्राई फ्रूट्स जिसमें मैंने 4 से 5 बादाम ले लिए है और काजू ले लिए है 5। तो अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने इस तरह से नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और इस काजू बादाम को भी अलग ग्राइंड कर लेंगे। फ्रेंड्स इस तरह से हमने नारियल को ग्राइंड कर लिया है और ये काजू बादाम को भी इस तरह से हमने ग्राइंड कर लिया है। इससे हमें मावे की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी और हमारी मिठाई में बिल्कुल हलवाइयों जैसा टेस्ट आएगा। तो चलिए अब हम ले लेते हैं एक कढ़ाई। अब फ्रेंड्स हमने ले ली है एक कढ़ाई। अब हमें इस नारियल के बुरादे को कढ़ाई में ऐड कर देना है। हमने इस नारियल के बुरादे को कढ़ाई में ऐड कर लिया है। अब हमें इसे मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे इस तरह से चलाते हुए भून लेना है। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंस्टेंट बनने वाली मिठाई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप चीनी। अब हमने जो काजू बादाम को पीसा था अब हम इसे ऐड कर देंगे। अब हम 1/2 कप दूध भी ऐड करेंगे। अब हम इसे 5 मिनट तक इसी तरह से हिलाते हुए पकाएंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच इलायची पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच घी भी ऐड कर देंगे। हमें इसे इसी तरह से हिलाते हुए पकाना है वरना ये नीचे चिपक जाएंगी। हमें इसे 2 भाग कर लेना है। अब हम इस तरह से एक टिन ले लेंगे या फिर आप कोई थाली भी ले सकते हैं, उसे मैंने घी लगा लिया है। अब मुझे इसे बनाना है कलरफुल, तो इसमें मैंने थोड़ा सा येलो और थोड़ा सा रेड कलर डाल दिया है। अब इसका कलर ऑरेंज हो गया है तो हमें गैस बंद कर देना है। हमें इसे इतना पकाना है कि ये खुद इस तरह से कढ़ाई से खुद ही निकल जाए। हमने इस तरह से ये बर्फी को जो हमने सफेद इसका पार्ट किया था उसे इस तरह से डाल दिया। अब हम इस तरह से ये ऑरेंज वाला मिक्सचर इसके ऊपर डाल देंगे। अब हम इसे इस तरह से सेट कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स हमने इसे बिल्कुल इस तरह से सेट कर लिया है। अब हम इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए ऐसे ही रख देंगे। फ्रेंड्स अब हमारी मिठाई सेट हो चुकी है, अब हम इसे कट कर लेंगे। हम इसे पहले कट करेंगे, फिर इसमें ड्राई फ्रूट्स लगाएंगे। आप चाहे तो इसमें चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। अब मैं इसे कट कर लूँगी। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से हमारी मिठाई में 2 कलर आ चुके हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स इस तरह से हमने मिठाई को प्लेट में निकाल लिया है। हमने इस तरह से 2 कलर में इसे बना लिया है। आप चाहे तो 1 कलर में बना सकते हैं या फिर बिना कलर के भी आप इसे बना सकते हैं। अब हम इसमें इस तरह से काजू बादाम और पिस्ता लगा देंगे। फ्रेंड्स ये बहुत ही कम खर्च में बनने वाली मिठाई है। हमें सिर्फ मार्केट से नारियल ही खरीदना पड़ा, बाकी सारी चीज़ें हमारे किचन में अवेलेबल होती है। इसमें ना ही हमने कोई मिल्क पाउडर यूज़ किया है, ना ही मावा यूज़ किया है। सिर्फ 1/2 कप दूध से हमने ये मिठाई तैयार कर ली है। फ्रेंड्स हमारी मिठाई बिल्कुल रेडी है, हमने सिर्फ 1 नारियल से इसे तैयार किया है। तो फ्रेंड्स आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी? अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।